आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज यानी कि 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET होने जा रही है। ये परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। इसके तहत पहली शिफ्ट आज 23 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है, तो वहीं नवंबर में एग्जाम लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल हो गई थी। इसके चलते इस बार परीक्षा में सुरक्षा के इंतजाम को और बढ़ा दिया गया है। एग्जाम में कोई चूक ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया और अधिकारियों को परीक्षा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं COVID-19 पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। तस्वीरें अलग अलग जगह से सेंटर्स से सामने आ रही है। लखनऊ, औरैया, फिरोजाबाद से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें नवंबर में आयोजित हुई परीक्षा की, तो कई अभ्यर्थी अपना पर्चा पूरा लिख चुके थे, जो परीक्षा थी उसको पूरा दे चुके थे और कुछ ही समय बाकी था पहली शिफ्ट के खत्म होने में। जब ये खबर सामने आती है कि एग्जाम को रद्द किया जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो लीक हो चुके थे, इस वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसके बाद परीक्षा को टाला गया और अंतिम तारीख निकली 23 जनवरी, जो कि आज है। आज परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। 10 बजे पहली शिफ्ट शुरू हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। संजीव, आज सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिले? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संजीव से। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। और हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़ चुके फिरोजाबाद से। संजीव, जिस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं और पेपर जिस तरह से लीक हुआ था, परीक्षा रद्द हुई थी, वो दोबारा ना दोहराया जाए, तो क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं आज? देखिए, सुरक्षा के चौक चौबंद प्रबंध कर लिए गए हैं। परीक्षा सेंटर पे पुलिस की तैनाती है और परीक्षा सेंटर के बाहर 200 मीटर तक धारा 144 लागू कर दी गई जी। और क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और साथ ही अभ्यर्थियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही सरकार द्वारा? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का लगभग 28,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ फिरोजाबाद में परीक्षा देने आए हैं। प्राइमरी की परीक्षा में 17,000 से ज्यादा बच्चे परीक्षा दे रहे हैं जी। तो कोविड के इंतजाम को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से पिछली बार नवंबर में परीक्षा रद्द हुई थी, तो ये कहा गया था कि मुफ्त यातायात की सुविधा दी जाएगी, तो क्या ऐसा कुछ फिरोजाबाद में देखने को मिला? नहीं, मुफ्त यातायात की सुविधा लगातार दी जा रही है और ये सुविधा कल रात से लागू होकर आज रात तक लगातार रहेगी, जब तक जितने भी परीक्षार्थी हैं वो अपने घर तक नहीं पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा ये सुविधा दी गई है जी। तो जो मुफ्त सुविधा मिल रही है, इससे परिजनों का और अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है संजीव? परिजनों का भी और अभ्यर्थियों का यही कहना है कि ये सुविधाएं जो दी जा रही है ये ठीक है, लेकिन इस बात से परिजन और अभ्यर्थी बहुत ज्यादा नाखुश है कि पिछली बार जैसे ही 28 नवंबर को ये स्थगित होनी थी लेकिन कैंसिल कर दी गई थी परीक्षा लीक होने पेपर लीक होने के कारण, तो इस कारण से लोग नाखुश ज्यादा है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़े थे फिरोजाबाद से। तो सुविधाएं तो दी जा रही हैं और इस बार सही से बिना किसी बाधा के परीक्षा संपन्न हो जाए, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। आज परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराई जा रही है। पिछली बार भी जब नवंबर में परीक्षा आयोजित कराई गई थी, दो पालियों में होनी थी, हालांकि पहली पाली की परीक्षा पूरी होने ही वाली थी, उससे पहले ये सामने आया था कि परीक्षा को रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और इस बार सख्त इंतजाम किए गए हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं और
तो वहीं ये तस्वीरें भी सामने आई है कि कुछ अभ्यर्थी लेट हो गए थे, जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, परीक्षा के लिए नहीं अंदर जाने दिया गया, तो उसकी तस्वीरें भी सामने आई है कि परीक्षा देने के लिए जो अभ्यर्थी थे वो काफी नाराज नजर आए हैं, जो देर हो गई थी, जिन्हें उन्हें परीक्षा देने का मौका नहीं मिला है, तो वो भी तस्वीरें सामने आ रही है और नाराज नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि पहले परीक्षा रद्द हो गई थी और आज अगर किसी वजह से देर हो गई तो काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, औरैया, फिरोजाबाद, जहां परीक्षा आयोजित हो रही है और पुलिस व्यवस्था भी देख सकते हैं आप किस तरह से सख्ती बरती जा रही है। दो पालियों पर परीक्षा है और उसके चलते सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा लीक होने या नकल जैसी कोई भी समस्या सामने ना आए, दोबारा से एग्जाम रद्द करने की नौबत ना हो, अभ्यर्थियों के जीवन जो कि एक अहम साल है वो खराब ना हो, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे इंतजाम किए गए हैं परीक्षा को सफल बनाने के लिए और सही तरीके से करवाने के लिए, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे तेजी से, उसको ध्यान में रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जा रहा है, जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए भेजा जा रहा है। वहीं जो अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव है उनके लिए भी अलग से इंतजाम किया गया है, मास्क के साथ ही परीक्षा देने की अनुमति है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है और परीक्षा रद्द ना हो, किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। साथ ही जिस तरह से 28 नवंबर को परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षार्थियों को जिन असुविधा का सामना करना पड़ा था वो दोबारा ना हो, इसके लिए भी ध्यान रखा गया है। जो मुफ्त यात्रा की बात कही गई थी सरकार द्वारा, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, अपना एडमिट कार्ड दिखा के वो यात्रा कर सकते हैं, अपने एग्जाम सेंटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकते हैं, वो नगर निगम की बस हो या फिर अन्य साधन हो, अपने आई कार्ड को दिखा के, अपना एडमिट कार्ड दिखा के वो यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा सरकार द्वारा दी गई है, इस बार पहले से ही इस बात का ऐलान कर दिया गया, जागरूक कर दिया गया ताकि छात्रों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, क्योंकि इससे पहले जब सरकार ने आदेश तो दे दिया था लेकिन परिवहन विभाग को इस बारे में सूचना नहीं थी, जिसकी वजह से जो बस के कंडक्टर थे, ड्राइवर थे और जो बाकी के ड्राइवर से उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा किराया वसूल किया था, कोई भी फ्री सुविधा का जो लाभ मिलना चाहिए था पात्रों को वो नहीं मिल पाया था सरकार के आदेश के बाद भी। और सरकार ने उस वक्त इस बात का भी ऐलान किया था कि जब परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी तो किसी तरह का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, तो बिना शुल्क के, और आज परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, आज यूपीटीईटी की परीक्षा हो रही है, वहीं छात्र और उनके परिजन जो कि परीक्षा केंद्रों तक आए हैं व्यवस्था को देख के काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां लेट होने की वजह से कुछ अभ्यर्थी परीक्षा देने से चूक गए हैं, उनको अनुमति नहीं मिली देर से अंदर जाने की, परीक्षा देने की, तो ये तस्वीरें भी सामने आई, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की भीड़ लगी हुई है, अपना रोल नंबर देखते हुए नजर आए। 10 बजे से पहली पारी शुरू हो चुकी है, तो पहली शिफ्ट में अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं इस वक्त, और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से शुरू होगी। तो खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और यूपीटीईटी की परीक्षा सफलता पूर्वक कराने की पूरी कोशिश है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शिवांग जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। शिवांग, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे, क्या कुछ नजारा देखने को मिला, किन सुविधाओं के साथ पहुंचे अभ्यर्थी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर की अगर मैं बात करूं तो 23 केंद्रों पर परीक्षा यहां पर आयोजित की जा रही है और प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद है पिछली बार की तरह किसी भी तरह की कोई अन्य गतिविधि ना हो इस मौके पर, इसीलिए आला अधिकारियों की नजर पूरे परीक्षा केंद्रों पर बनी हुई है। आला अधिकारी लगातार मौजूद है परीक्षा केंद्रों पर, पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई है और
23 केंद्रों पर यहाँ पर बुलंदशहर में परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जा रही है। बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर में 23 केंद्र जो है वो चयनित किए गए हैं जिन पर ये परीक्षा होनी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस परीक्षा केंद्र में टोटल उत्तर प्रदेश में 21 लाख अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। और कुछ गाइडलाइन जो जारी की गई है कि अगर पहचान पत्र और प्रवेश पत्र नहीं होगा तो अनुमति नहीं दी जाएगी, अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, और तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई है। साथ ही साथ यूपी सरकार का एक बहुत बड़ा जो फायदेमंद फैसला है अभ्यर्थियों के लिए वो एक ये जारी हुआ है कि बस में जो 2 दिन के लिए अभ्यर्थियों के लिए बस की सुविधा फ्री कर दी गई है। ये बहुत बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी साबित हो सकता है जो किया गया है अभ्यर्थियों के लिए। जी शिवांग, जिस तरह से कोरोना काल के बीच में परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो क्या केंद्रों की संख्या और बढ़ाई गई है कोरोना को ध्यान में रखते हुए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो कोरोना गाइडलाइन उनका पालन किया जा रहा है और अभ्यर्थियों को गाइडलाइन कोरोना गाइडलाइन से मुखातिब करवा दिया गया है कि किसी भी तरह की नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। तमाम जो इंस्ट्रक्शन जो प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं उन सबको फॉलो करना होगा, उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर अटेंड दिया जाएगा। जी परीक्षा केंद्रों पर सख्ती देखने को मिल रही है शुभांग? जी बिल्कुल, सख्ती तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि पुलिस प्रशासन जो है वो मौजूद है, क्योंकि पैंतीस विभाग 28 लगभग 1.5 महीने पहले 28 नवंबर को परीक्षा हुई थी यूपी कैट की, और उसमें ये देखने को मिला कि पेपर लीक हो गया था, उसमें FIR भी दर्ज हुई थी, रातों पर लगी थी उन लोगों पर जो इसमें इन्वॉल्व पाए गए थे। तमाम तरह यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा उन पर शिकंजा कसा गया था, लेकिन इस बार जो है किसी भी तरह की कोई अचूक ना हो ये सख्ती बढ़ा दी गई है। जी शुभांग, जिस तरह से आज परीक्षा हो रही है तो क्या कुछ परीक्षार्थी देर से भी पहुंचे, क्या उनकी तरफ से कोई नाराजगी देखने को मिली? देर से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को क्या परीक्षा देने की अनुमति मिली? देखिए टाइम जो है वो पूरा पहले से ही टाइम की जो है कर दिया गया था कि 1.5 घंटे पहले परीक्षा जो केंद्र है उनका गेट खोल दिया जाएगा, तो उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। जो टाइम लिया मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में 2 पालियों में पेपर होना है, पहला पाली में जो होगा वो लगभग 10:30 से और 12 बजे तक होगा, और दूसरे पाली 2 बजे से स्टार्ट होगी जो की 5 बजे तक चलेगी, और ये 2 पालियों में टाइम शेड्यूलिंग की बहुत बड़ी एक चीज रखी गई है कि टाइम शेड्यूल होना चाहिए, और उसके बाद में अगर अभ्यर्थी किसी तरीके से लेट पहुंचता है तो उसके लिए एंट्री नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता शिवांग जुड़े थे बुलंदशहर से। तो तस्वीरें सभी जगह से सामने आ रही हैं और संवाददाता बता रहे हैं कि सुविधाएं मिल रही हैं, सुरक्षा के इंतजाम है, कोरोना काल को देखते हुए जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन कराने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, सुविधाएं दी जा रही है ताकि सही से परीक्षा संपन्न हो सके, किसी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से बिना नकल के ये परीक्षा को कराया जा सके। और इस खबर पे अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अजहर, लखनऊ में किस तरह से परीक्षा केंद्र देखने को मिले, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम रहे? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से आज कई राजधानी लखनऊ की बात करें तो कई केंद्र ऐसे रहे जहां पर कुछ अभ्यर्थी जो थे उनको पहुंचने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वहां पर वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद वहां पर बहुत ही तमाम जद्दोजहद के बाद फिर उनको एंट्री मिली, क्योंकि जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो पहली जो शिफ्ट थी वो जो शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले वहां पर एग्जाम सेंटर पहुंचना था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं जो देर से पहुंचे तो उसके बाद उन्हें काफी दिक्कतें हुई, लेकिन फिलहाल उन्हें एंट्री मिल गई। लेकिन फिलहाल जो अब की जो UPTET की परीक्षा है तो उसको लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 28 नवंबर में जैसे पेपर लीक हुआ व्हाट्सएप पे, उसके बाद ये तमाम तरह की जो पाबंदियां थी वो लगा दी गई हैं, और इसके बाद आपको बताते चले कि आज जो ये एग्जाम होने हैं इसको लेकर जो एग्जाम स्टूडेंट हैं वो जब एंट्री करेंगे तो वो तमाम तरह के जो गैजेट्स हो या मोबाइल फोन हो, डिजिटल वॉच हो, इन तमाम तरह की पेजर हो, कैलकुलेटर हो, तमाम तरह की चीजों पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। और खास करके एग्जाम सेंटर की अगर बात की जाए तो अंदर वहां पर जो कैमरे का सिस्टम लगा दिया गया है, पेपर खुलने से, पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से और एग्जाम शीट
सील्ड होने, तमाम तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और खास तौर पर वहाँ पर पूरी तरह से सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएगी, किसी तरह की कोई भी चीज ना हो, किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो, और तमाम तरह की जो सुरक्षा है उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन एसटीएफ पुलिस मुख्यालय जाएगी। जी अजहर, जिस तरह से कोरोना काल के बीच में ये परीक्षा हो रही है, तो क्या कुछ केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है इसके ध्यान में रखते हुए? जी बिल्कुल, साफ तौर पर लगभग जो प्राथमिक स्तर की जो पहले पाली के जो होने वाले हैं तो उसमें लगभग 2500 केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई, जिसमें लगभग 12.5 लाख अभ्यर्थी हैं वो आज एग्जाम देंगे। और लगभग जो दूसरी पाली में होने वाला है उसमें लगभग 7.5-7.5 हजार केंद्रों में और लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम देंगे। तो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया है, कोरोना इंडेक्स और थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। तो जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग रूम की व्यवस्था की गई है, उन्हें अलग रूम पर बैठा कर एग्जाम दिया जा रहा है। जी अजहर, जब परीक्षा रद्द की गई थी पेपर लीक होने की वजह से तो काफी नाराज नजर आ रहे थे अभ्यर्थी, लेकिन इस बार जो सुविधाएं दी गई हैं मुफ्त यात्रा की, तो क्या इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से पहली बार जब 28 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें जो मुफ्त बस यात्रा की तो कहीं ना कहीं इससे पहले जिसका प्रभाव था, लेकिन कई जगह ऐसा देखने को मिला कि उनसे पैसे ले लिए गए, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी थे उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। लेकिन इस बार भी इसी तरह की सुविधा दी गई है अभ्यर्थियों को, रोडवेज बसों पे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और वो फ्री सारे परीक्षा केंद्रों तक के जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो हालात थे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों से पैसे ले लिए गए थे, तो वहीं अब इस बार वो स्थिति ना बने इसको लेकर तमाम अधिकारी, तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे से संवाददाता अजहर जुड़े थे लखनऊ से। तो आज परीक्षा केंद्रों पे देखने को मिला कि काफी सख्ती है और एग्जामिनेशन रूम में कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं है, वो मोबाइल हो या स्मार्ट वॉच हो या फिर कैलकुलेटर हो, इन सब चीजों की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी गई है। और इस खबर पे अब हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। धीरज, लखीमपुर में आज परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ देखने को मिला, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल बता दो, लखीमपुर खीरी में जो परीक्षा आज चल रही है उसमें करीब 23 जो है परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं, जहाँ पे 7 SDM जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाए जा चुके हैं, अन्य आला अधिकारी व शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। काफी अच्छी तरीके से जिलाधिकारी के द्वारा व्यवस्था की गई है, सारे केंद्रों पर बाकायदा पुलिस बल तैनात किया गया, बाकी अन्य अधिकारी और शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी है उनको भी तैनात किया। कहीं ना कहीं जो प्रशासन के जो निर्देश है उनकी एक एक पॉइंट पे पूरी तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा जो है पालन किया जा रहा है, किसी ने कोई एक छोटी सी भी चूक न होने पाए, वही जिलाधिकारी के द्वारा जो परीक्षा केंद्र बाकी बाकायदा CCTV जो कैमरे भी वो भी लगाए जा चुके हैं। जी, जो कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी है उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है और साथ ही बाकी अभ्यर्थियों जो कोरोना जो देखिए बिल्कुल जो कोरोना पॉजिटिव है अभ्यर्थी जो परीक्षा देने आए उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई, बाकायदा प्रोटोकॉल के द्वारा सारी व्यवस्था के जरिए उनको जो परीक्षा कराई जा रही है। जी, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, साथ ही टेम्परेचर जांचने के बाद ही एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, परीक्षार्थी गेट पर पहुंच रहे हैं, उनकी बाकायदा जो टेम्परेचर की चेकिंग हो रही है, उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से पूरी तरीके से मास्क लगा करके और सोशल जो दूरी है उस हिसाब से बिठाए जा रहे हैं, कहीं किसी भी जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से कायम है, पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से लोगों को बिठाया जा रहा है जो परीक्षार्थी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज जुड़े थे लखीमपुर से। तो दो पालियों में परीक्षा की जा रही है और सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भी अधिकारी नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से तस्वीर आप देख सकते हैं लखनऊ, औरैया, फिरोजाबाद और यूपी के अलग अलग जिलों में आज परीक्षा आयोजित की जा रही है UPTET की। हालांकि 28 नवंबर को जो परीक्षा रद्द हुई थी तो अभ्यर्थी परीक्षार्थी काफी नाराज थे, लेकिन आज जो व्यवस्था देखने को मिल रही है उससे काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, चंडीगढ़ में आज भी बारिश होगी। बीते दो दिन से बारिश की गतिविधियों के चलते तापमान में गिरावट आ गई है, साथ ही शीतलहर भी कहर बरपा रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश ने मुश्किलें पैदा कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाके पर बना हुआ है और प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पर बना हुआ है, जिससे मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। तो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, तस्वीरें देख सकते हैं आप, जैसे जैसे बारिश हो रही तापमान और गिरता जा रहा है। बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि एक तरफ कड़ाके की ठंड है तो दूसरी तरफ बारिश में निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। जमकर बर्फबारी हो रही है, जो कि लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है, घरों में कैद कर रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी ठंड बनी रहेगी। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, चंडीगढ़ में आज भी बारिश होने का अनुमान जताया है। और बीते दो दिन से बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश के चलते लगातार पारा गिरता जा रहा है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जहां सैलानी भी लुत्फ उठाने जा रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने से मैदानी इलाकों में काफी असर देखने को मिल रहा है, ठंड और कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। जनवरी खत्म होने को है लेकिन ठंड अपने चरम पर है। बारिश ने अब ठंड को और बढ़ा दिया है, लगातार बारिश ठंड बढ़ा रही है। और इस खबर पे आप हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम शंकर, रायबरेली में मौसम कैसा देखने को मिल रहा है, क्या वहां पे भी बारिश देखने को मिल रही है? रात भर हुई बारिश से जो है वो कहीं ना कहीं ठिठुरन बढ़ गई है और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। आपको दिखा दें, हम जिस चौराहे पर खड़े हैं, कभी ये चौराहा अब गुलजार हुआ करता था, लेकिन रात भर हुई बारिश से जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को घर में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी, तो जिस तरह से बारिश हो रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो आम जनजीवन का क्या हाल है, लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं जब कोई कमाई का साधन नहीं नजर आ रहा है? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है ठंड से जो है वो अलाव की भी दिक्कतें हो रही है, और जो दिनचर्या है, जो छोटे रोजगार करने वाले जो फुटपाथ पे काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन यापन और उनकी आय पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि ये ठंड लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। और रात भर हुई बारिश से जो है शहर में जगह जगह कीचड़ भी हो गया है और तेज हवाओं ने जो है वो ठिठुरन बढ़ा दी है। जी, तो भीषण ठंड देखने को मिल रही है ओम शंकर, रैन बसेरों का क्या हाल है? जी हाँ, रैन बसेरों में सुविधाएं तो दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऊंट के मुंह में चूजा की कहावत सही हो रही है, चूंकि जो है वो सुविधाएं कम पड़ रही है, चूंकि जो है इस हिसाब से ठंडी पड़ रही है, उस हिसाब से लकड़ी की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से, जिन्होंने हमें बताया कि नगर निगम की कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड, बारिश भी हो रही है, लोग ठंड से परेशान है, वहीं रैन बसेरों की और अलाव की प्रॉपर सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उन मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, चंडीगढ़ में बारिश होगी और इसी के कारण शीतलहर का कहर भी देखने को मिल रहा है। बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, सीधी ठंड मैदानी इलाकों में आ रही है, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार पारा गिरता जा रहा है मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों की ठंड सीधे तौर पर लोगों को परेशान कर रही है।
पारा लगातार गिर रहा है और बारिश लोगों की दिक्कतों को और बढ़ा रही है, क्योंकि ठंड में तो लोग बाहर निकल जाए लेकिन ठंड की बारिश में लोग बाहर निकलना मुमकिन नहीं हो पा रहा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, बारिश हो रही है, इसके पारा गिरता जा रहा है, क्या कहेंगे? जिस शिखा आपको बता दें कि प्रदेश भर में जो है वो ठंड बढ़ चुकी है, वहीं अगर बात की जाए तो 24 घंटे से बारिश की भी आप देख रही हैं, कई जिलों में बारिश भी हो रहे हैं। वहीं आपको बात करें पूर्वांचल या पश्चिम, हर एक जगह पारा गिरा हुआ है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी अलर्ट का बताया गया है कि 25 तारीख से, 25 जनवरी से और 30 जनवरी तक जो मौसम है उसमें काफी गिरावट आ सकती है और सीवियर कोल्ड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि शिखा प्रदेश भर में जो अनेक जनपदों में जो -3 कुछ जगह पे, जैसे बरेली और तमाम जो भी हिम क्षेत्र या उत्तराखंड से नजदीक जो इलाके हैं वहां पानी जमने की भी आशंका जताई गई है। और वहीं अगर बात करें तो प्रदेश भर के कई जनपदों में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना भी जताई गई है मौसम विभाग से। खासतौर पर अगर बात करें तो लखनऊ के नगर निगम के द्वारा जो अनेक चौराहे हैं, जो छोटे चौराहे हैं या गरीब रिक्शे वाले या जो आगंतुक जो चारबाग से आते हैं उनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। और वहीं एक गांव में जहां ग्राम पंचायत है वहां सोचने वाली बात है कि अब तक कोई प्रबंध नहीं किया गया। जी शिखा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। तो हम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे से संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो कुछ व्यवस्था तो की जा रही है नगर निगम द्वारा लखनऊ में, लेकिन ठंड का कहर लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। बारिश के चलते लोग परेशान हैं, पारा गिर रहा है और उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों में देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।